सुप्रभात बच्चों, ये आपका हिंदी साहित्य का पीरियड है। आज हम क्या करेंगे, आज हम शब्द अर्थ करेंगे। कल सभी बच्चों ने क्या किए थे, कठिन शब्द किए थे। बेटा अपनी कॉपी में बहुत साफ साफ काम करेंगे। मुझे पता है कि आपने अपना कोर्स भी लिख लिया होगा। इस बार मैंने कोर्स पहले ही भेज दिया है आपको। फिर उसके बाद आपने कविता लिख ली होगी, चित्र भी बना लिया होगा और आपने कल कठिन शब्द किए। आज हम उसी के आगे, जहाँ पर ये देखिए आपके कठिन शब्द खत्म हुए हैं, हम उसी के आगे से शब्द अर्थ शुरू करेंगे। तो ये देखिए नीली रेखा आप खींच लेंगे जहाँ पे आपके कठिन शब्द खत्म हुए हैं। उसके बाद ऐसे तिथि डाल लेंगे आज की। आज की तिथि है 4/11/2020 और उसके बाद आप शब्द अर्थ की हेडिंग डालेंगे ये देखिए, और बीच का पेज ऐसे डिवाइड कर लेंगे और फिर अपना कार्य शुरू करेंगे। तो आपका पहला शब्द है विद्यालय। विद्यालय मतलब जहां आप विद्या ग्रहण करने आते हैं, यानी कि पाठशाला। नंबर दो पे उपकरण। उपकरण मतलब यंत्र या मशीन। उपकरण मतलब यंत्र या मशीन। बिल्कुल सही सही स्पेलिंग लिखेंगे और लेटर्स बिल्कुल ऐसे बनाएंगे। नंबर तीन पे विक्रेता। नंबर तीन पे विक्रेता मतलब बेचने वाला। विक्रेता मतलब बेचने वाला। उसके बाद बच्चों आप नंबर चार प्रवेश। प्रवेश मतलब अंदर जाना। प्रवेश मतलब अंदर जाना। फिर से मैं एक बार पुनः आपको अभ्यास करा देती हूँ। विद्यालय मतलब पाठशाला, उपकरण मतलब यंत्र, विक्रेता मतलब बेचने वाला, प्रवेश मतलब अंदर जाना। तो बच्चों इस तरह आपने देखा कि कैसे आपको लिखना है। बिल्कुल आपके लेटर्स ऐसे ही बनेंगे। अब यहाँ पर एक नीली रेखा खींच देंगे और हम नए पेज से प्रश्न उत्तर करेंगे। आज मैं आपको एक प्रश्न उत्तर करवाऊंगी और फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्न उत्तर होंगे। बहुत ध्यान से बहुत सुंदर काम करेंगे। चलिए आपने पेज पलट लिया, अब आपने प्रश्न उत्तर की हेडिंग डाली। बिल्कुल साफ समझ गए होंगे। अब आप जो बच्चे नए थे वो भी अब पुराने हो गए हैं, उन्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्कूल में कैसे काम कराया जाता है। कुछ बच्चे अभी भी अपना काम साफ नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपना काम बहुत साफ करिए और ये चैप्टर खत्म होने के बाद आप कॉपी को स्कूल में भिजवा देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर एक। रोहन अपने परिवार, ये देखिए रोहन अपने परिवार के साथ सैर करने कहाँ गया। बच्चों बताइए मुझे, रोहन अपने परिवार, ये देखिए तीन शब्द है बच्चों, बहुत ध्यान से बिल्कुल सुंदर सुंदर लिखेंगे। रोहन हा अच्छा बनाएंगे। रोहन अपने परिवार के साथ सैर करने कहाँ गया। ये कहाँ आपका प्रश्नवाचक शब्द है, इसी की जगह को हटा के कहाँ हटा के हमें उत्तर लिखना होता है। तो रोहन अपने परिवार के साथ, रोहन अपने परिवार के साथ सैर करने, ये आपने इतना आपने प्रश्न सही लिया। अब कहाँ की जगह आपने क्या करना लिखा, के साथ तक आपने लिखा, रोहन अपने परिवार के साथ सैर करने तक आपने बिल्कुल प्रश्न से देख के लिख लिया, ठीक है। अब कहाँ आपको उस जगह का नाम लिखना है, तो आप कहाँ गया, पार्क। तो आपका मेन आंसर क्या है बच्चों, मुख्य आंसर पार्क। तो पार्क की स्पेलिंग आप सही लिखेंगे। एग्जाम में भी आप लोग यही करते हैं, कई बार आप प्रश्न वाला भाग सही लिख देते हैं लेकिन उत्तर वाला भाग गलत कर देते हैं। तो कहाँ गया, पार्क गया। तो बच्चों ये देखिए रोहन अपने परिवार के साथ सैर करने पार्क गया। दो लाइन छोड़ेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे के प्रश्न मैं कल कराऊंगी। आशा करती हूँ कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाय।